नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में गोपालगंज और मोकामा इन दो सीटों के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। जनता ने भाग्य का फैसला कर दिया है। 6 नवंबर को नतीजे आने हैं। आज वोटिंग खत्म हुई है, उसके बाद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने अपने एक और बयान से बिहार की राजनीति की गर्माहट को बढ़ा दिया है। सुशील मोदी ने कहा है कि या तो जेडीयू का आरजेडी में विलय हो जाएगा या जेडीयू विलीन हो जाएगी। आरजेडी का जेडीयू में विलय होगा, यह बात पहले भी सिर्फ बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी नहीं, बीजेपी के कई दूसरे नेता भी करते रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने इससे दो कदम आगे जाकर एक बात कह दी है। सुशील मोदी जो कहते रहे हैं उससे आगे जाकर उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो एफिडेविट या रजिस्ट्री करने को भी तैयार हैं अगर उनकी बात सही नहीं हुई। डंके की चोट पर सुशील मोदी ये कह रहे हैं कि आरजेडी का जेडीयू में विलय होने जा रहा है और अब वो रजिस्ट्री करने के लिए भी तैयार हैं। ये बड़ा बयान सुशील मोदी ने दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि बाकी दलों का विलय हो अथवा ना हो, लेकिन जेडीयू का विलय होना तय है। यदि जेडीयू का विलय नहीं हुआ तो विलीन जरूर हो जाएगी जेडीयू। बोलिए तो इस बात का एफिडेविट या रजिस्ट्री कर दें। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार के पास सिर्फ दो ही विकल्प हैं, या तो वे जेडीयू पार्टी का विलय कर लें या फिर पार्टी खुद विलीन हो जाएगी। सुशील मोदी ने कहा कि बोलिएगा तो इस बात का एफिडेविट कर देते हैं कि नीतीश कुमार के पास यही दो विकल्प बचा है। तेजस्वी यादव भी निशाने पर थे सुशील मोदी के और नीतीश कुमार भी थे। दोनों पर हमला बोलते हुए सुशील मोदी ने कहा कि दोनों ने मिलकर बिहार के नौजवानों को ठगने का काम किया है। केंद्र की मोदी सरकार ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन बिहार के नौजवानों को नीतीश और तेजस्वी नौकरी का सपना दिखा रहे हैं। 10 लाख तो क्या, 10 बहाली भी कर दे तो यह बड़ी बात होगी। मोकामा के बारे में एक सूचना मिली। सुशील मोदी ने कहा कि जो दुखद है, बिहार के मंत्री सुरेंद्र यादव चुनाव क्षेत्र में घूमते हुए पाए गए, लोगों से वोट मांगते हुए पाए गए, जबकि नियम है कि चुनाव के 48 घंटे पूर्व कोई भी बाहर का व्यक्ति चुनाव क्षेत्र में नहीं जा सकता है, लेकिन बिहार के मंत्री रहते हुए सुरेंद्र यादव चुनाव क्षेत्र में देखे गए। सुशील मोदी ने कहा कि बूथ लूटने का इतिहास रहा है सुरेंद्र यादव का, तो सुरेंद्र यादव पर भी निशाना है, नीतीश तेजस्वी पर भी हमला है, और इस बार गारंटी के साथ कह रहे हैं एफिडेविट करने को तैयार हैं सुशील मोदी, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का विलय आरजेडी में होगा, नहीं होगा तो जेडीयू विलीन हो जाएगी।